15.4.2 लोकतंत्र और संगठन। प्रायः सभी लोकतांत्रिक संविधानों में नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार अंकित होता है। भारतीय संविधान में भी इसे मौलिक अधिकार माना गया है। नागरिक अपने विविध जरूरतों को पूरा करने और अपने सामूहिक हित के लिए तरह तरह के संगठन बनाते हैं, जैसे क्लब, स्व सहायता समूह, सरकारी समूह, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर समूह, व्यवसाय आधारित समूह जैसे श्रमिक संगठन, अधिवक्ता या वकील संगठन आदि। इस तरह के समूह किसी देश में कितनी मात्रा में बनते हैं और कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं, यह वहाँ के लोकतंत्र के स्वास्थ्य का परिचायक होता है। इनके माध्यम से लोग सक्रिय होते हैं और सामुदायिक जीवन को सुदृढ़ करते हैं। शासन की भूमिका यहाँ इतनी ही है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ये संगठन कानून के दायरे में काम करें और सार्वजनिक हित को हानि न पहुँचाएं। इस कारण इन संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान है, लेकिन ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक नहीं है जब तक वे इन्हें अनौपचारिक रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हर गली मोहल्ले में युवा लोग खेल या उत्सव समितियां बनाते हैं जो पंजीकृत नहीं होते। अगर वह समिति संपत्ति खरीदना चाहती है या अन्य किसी प्रकार कानून के दायरे में आना चाहती है तो उसका पंजीकरण आवश्यक है। यहाँ हम कुछ संगठन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझेंगे। 15.4.3 ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ। भारत में मजदूर संगठनों का इतिहास पुराना है। इनका निर्माण आज़ादी की लड़ाई के समय में ही किया गया था। कामगारों के वेतन, काम के घंटे और काम के हालातों को लेकर संघर्ष करने और मालिकों से सामूहिक रूप से सौदा करने के लिए ये संघ बने। कई संगठन मजदूरों के स्व सहायता व एक दूसरे की सहायता के लिए भी बने। इन बिखरे हुए संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर साथ लाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनैतिक दलों ने भी इस तरह के केंद्रीय संगठन बनाए, जैसे पहला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तीसरा हिंदू मजदूर सभा, चौथा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, पांचवा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, छठवा भारतीय मजदूर संघ BMS। ये न केवल मजदूरों के हित में मालिकों से संघर्ष और समझौते करते हैं, बल्कि दबाव समूह के रूप में सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।